नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में पहली खबर बलिया से है, जहां हीट वेव ने ढाया कहर, 7 लोगों की मौत की हुई पुष्टि। साथ ही बात होगी झारखंड की गादी में मंदिर निर्माण के लिए लगाए गए 2 लाख के छड़ की चोरी के बारे में, और दिखाएंगे कैसे सहारनपुर में एक शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां हीट वेव ने कहर ढाया और 7 लोगों की मौत हो गई। जी हां, एम्बुलेंस चालक ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हीट वेव से लगभग 50 लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। 20 से 25 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती है और मरीजों के लिए जिला अस्पताल में कोई व्यवस्था तक नहीं है। मौके पर डॉक्टर से लेकर स्टाफ भी नदारद रहता है। बलिया जिला अस्पताल में हीट वेव के लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। नाम पड़े कहाँ से आए? अच्छा, का भइल बा? के लगे लिया माई लगे लिया का भइ रहला? और ई अभी का कंडीशन बा? ठीक बड़ी डॉक्टर साहब देखा नहीं है? क्या के बना दिले बनी बनते नहीं के को घंटा हो गए आपके भर्ती कागज अभी लेने बनल? सीट उठना मिलल के नहीं आपके? कहाँ से आई? क्या हुआ है? अच्छा, बुखार लगा। डॉक्टर चेक किए हैं? बुखार लगा था। कब से बुखार लगा था? 2 बजे से। आज? अच्छा, अभी ठीक बोला ना? मैं सागर पाली बघेजी के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ था आपके पिताजी को? कितनी बजे तबियत खराब हुई? ये 2 बजे अचानक तबियत खराब हुई। हाँ, कपाहट आने लगी है। उसके बाद मैं एम्बुलेंस फोन किया, तुरंत 5 मिनट में एम्बुलेंस आ गई और यहाँ पे ले आया। यहाँ पे एडमिट करा दिए और कराने के बाद बर्फ़ का वो दे दिए टुकड़ा प्लास्टिक में, बोले कि इसको सिकाई करो। और नए नए लड़के लोग आया इंजेक्शन लगाने में। डॉक्टर साहब से बोला थोड़ा सीरियस है, थोड़ा देखिए। तो डॉक्टर साहब अपने चेयर से हटने के लिए तैयार नहीं, बोल रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत आदमी है। क्या क्या बीमारी है उनको कुछ बताया डॉक्टर ने? कुछ नहीं बताया सर। आपको क्या लग रहा है किस वजह से? अब हमारे वजह से ये है कि गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से अचानक बुखार उखार भी था? बुखार कुछ नहीं था, यहाँ जो अचानक कंप भी आने लगा तो बुखार आ गया। तो वो कौन थे आपके और क्या स्थिति है? ये हमारे पिताजी हैं और पिताजी हैं वो एक्सपायर कर गए। कितनी उम्र थी उनकी? 72 साल। ठीक। कितने डेड बॉडी ले जा चुके हैं? आज कल सुबह 6 बॉडी लेके जा चुके हैं, 7वां बॉडी लूट। कई बज रहा है अभी? लगभग लगभग 6-7 बज रहा है, 7 बजे। आज कितना डेड बॉडी ले जा चुके हैं? 7वां बॉडी लूट की। जो भी बॉडी थी तो क्या सिस्टम थे उसमें? सब गर्मी की वजह से। अपना नाम बता दीजिएगा। रावत पासवान। आप कहाँ से ले जा रहे हैं जो बॉडी ले जा रहे हैं? जिला अस्पताल इमरजेंसी। जिला इमरजेंसी। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां धनवार थाना क्षेत्र धनपुर पंचायत के गादी ग्राम में मंदिर निर्माण कार्य में चले आ रहे विवाद को नया मोड़ देते हुए विपक्षी द्वारिका महतो के भाई रामजी महतो की पत्नी कमली देवी ने धनवार थाना में मारपीट तथा छिनतई का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। वहीं ग्रामीणों ने पूर्व में धनवार थाना में आवेदन देकर मंदिर और बाउंड्री वॉल में जोड़े जा रहे छड़ और सामग्री लगभग 2 लाख का रातों रात चोरी कर लिया गया, जिससे बचने के लिए झूठा आरोप लगाते हुए आवेदन दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि द्वारिका महतो, वीरेंद्र यादव, रामदेव यादव, नंदलाल यादव, रामजी महतो सहित अन्य सभी एक ही परिवार के लोग हैं और दबंग व्यक्ति हैं, जो ना तो पंचों की बात मानने को तैयार हैं और ना ही प्रशासन की बात मानते हैं। कहा कि महिला द्वारा दिए गए आवेदन सिर्फ मामले को भटकाने के लिए दिया गया है। कहा कि किसी भी महिला या पुरुष के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। इस दौरान कन्हैया यादव, प्रकाश यादव, लखन यादव, सुरेश यादव, मंगर यादव, द्वारिका यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। झारखंड के खोरी महुआ से सीनियर संवाददाता शाहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से है, जहां मकान मालिक की तिजोरी से किराएदार ने ही लाखों के जेवरात उड़ा लिए। जी हां, लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र से खबर आई, जहां बिजनौर थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राणा की गुड नेटवर्किंग एक बार फिर सामने आई है। बिजनौर थाना क्षेत्र केजरीवाल सूरजपुर कॉलोनी में मकान मालिक के घर में तिजोरी से लाखों की ज्वेलरी और नकदी चोरी करने वाला किराएदार सहित एक नाबालिग चोर को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर चोरी के माल को भी बरामद किया है।
थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राणा के नेतृत्व में एसआई अमरनाथ चौरसिया, एसआई अर्जुन सिंह, एसआई रविंद्र कुमार और हेड कांस्टेबल अरुण सिंह ने किरायेदार चोर उमेश चंद्र अवस्थी सहित एक बाल अपराधी को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज चोरी का खुलासा भी कर दिया गया। चोरी का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला, क्या करना है सर? थाना बिजदौर के अंतर्गत कुशपेर नगर में एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह रहते हैं। उन्होंने एक नौकर रखा था, वो नौकर जो है अपनी फैमिली भी उसकी कभी कभी आ जाती थी और वो मूल रूप से नौकर गोंडा का रहने वाला है। ये 29 को उनकी तहरीर के आधार पर ही तत्काल थाना बिजनौर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना बिजनौर की पुलिस, सर्विलांस की टीम, ये सभी लग करके इस अभियुक्त को पकड़ा, जिसमें ये अभियुक्त जिसका नाम है उमेश चंद अवस्थी, ये गोंडा का रहने वाला है, तथा एक बाल अपचारी जो जितना भी सामान चोरी गया था, इसमें सोने का एक बिस्किट था, सोने के टप्स, झाला और कुछ चांदी के जेवरात तथा 12,500 रुपया ये लेके गया था, सभी बरामद हो गया है और अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा। तत्परता से साथ संकलित करके इनके खिलाफ सजा दिलाने का पूरा प्रयास। कितने समय से नौकर उनके यहाँ पे काम कर रहा था और इसका इतिहास है क्या कुछ? ये काफी समय से उनके यहाँ काम कर रहा था और काफी विश्वास में भी था और अभी इसका आपराधिक इतिहास खोजा जा रहा है। लगातार अपराध घर के नौकरी कर रहे हैं, अभी आईएएस के यहाँ उनकी पत्नी की हत्या नौकर ने ही कर दी, ये भी नौकर ने ही किया, क्या इनका वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं करवाना चाहिए नौकर रखने से पहले, इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? ये लगातार सबको निर्देश भी दिया जा रहा है कि कोई भी नौकर रखे तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराए। लेकिन कितने की चोरी थी ये? लेकिन ये चोरी करीब 4-5 लाख हो गई। पूरी रिकवरी? हाँ, पूरी खुलासा होगा इसका, ये 24 घंटे के अंदर होगा। पुलिस को क्या कोई इनाम वगैरह दिया? इनाम 10,000 करने वाली टीम को। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां अचानक एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। नकुड कस्बे में तालाब में एक शव मिला, पुलिस मौके पर जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। शव देखने में कई दिन पुराना लग रहा है, लोगों की भारी भीड़ भी मौके पर जमा हुई। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।